नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए इस पीटी सामान्य दिन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ, उसमें आज पार्ट 59 है। इससे पहले मैं इसका 58 पार्ट बना चुका हूँ, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की घोषणा 1923 ईस्वी में हुई थी। स्वराज पार्टी की घोषणा कब हुई थी? 1923 ईस्वी में हुई थी। चार मीनार को कुली कुतुब शाह ने बनवाया। चार मीनार को किसने बनवाया है? कुली कुतुब शाह ने बनवाया है। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला एक ऐसा बंदरगाह है, ज्वारीय बंदरगाह है। गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। किस काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे? गुप्त काल में। ड्यूस मार्क जर्मनी की मुद्रा है। ड्यूस मार्क कहाँ की मुद्रा है? जर्मनी की मुद्रा है। औरंगजेब के शासनकाल में मराठा संभाजी को फांसी की सजा दी गई थी। किसके शासनकाल में मराठा संभाजी को फांसी की सजा दी गई थी? औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली खांसी ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है। काली खांसी ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है। भूटान को लैंड ऑफ थंडर बेल्ट कहा जाता है। किसको लैंड ऑफ थंडर बेल्ट कहा जाता है? भूटान को। चालों के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने 1624 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया था। चालुक्यों ने पुलकेशिन द्वितीय को कब नर्मदा नदी किनारे हर्षवर्धन को हराया था? 624 ईस्वी में। गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का शासक था। गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश का शासक था? सातवाहन वंश का शासक था। द्वार समुद्र होयसल की राजधानी थी। द्वार समुद्र किसकी राजधानी थी? होयसलों की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में शिव देवता की आकृति चित्रित थी। सिंधु सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? शिव देवता की। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए प्रसिद्ध है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए प्रसिद्ध है। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से जीता था। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से जीता था। विलय नीति के अंतर्गत झांसी सतारा व मैसूर भारतीय कब्जे में किए गए थे। विलय नीति के अंतर्गत कौन कौन भारतीय कब्जे में किए गए थे? झांसी सतारा व मैसूर भारतीय कब्जे में किए गए थे। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन एंटीलोप का सबसे बड़ा प्राणी नीलगाय है। एशियन एंटीलोप का सबसे बड़ा प्राणी क्या है? नीलगाय है। NH1 दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है। NH1 किसको जोड़ता है? दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है। ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम में है। ग्रीनविच कहाँ स्थित है? यूनाइटेड किंगडम में है। कुकी जनजाति मुख्यतः मणिपुर राज्य में रहती है। कुकी जनजाति कहाँ पे है? मणिपुर का। प्रथम मुगल बादशाह जहांगीर था जिसने ब्रिटिश को सूरत में फैक्ट्री खोलने का फरमान जारी किया था। प्रथम मुगल बादशाह जहांगीर था जिसने ब्रिटिश को सूरत में फैक्ट्री खोलने का फरमान जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल का उपयोग परमाणु संयंत्र में होता है। भारी जल का उपयोग कहाँ पे होता है? परमाणु संयंत्र में होता है। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए नेपोलियन से सहायता मांगी थी। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए किससे सहायता मांगी थी? नेपोलियन से। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज दरबार के 8 महान कवि थे। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज दरबार के 8 महाकवि थे। प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को वेट्स दिवस मनाया जाता है। शुक्र ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है और सूर्य में डूबता है। शुक्र ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है और सूर्य में डूबता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन को जुलाई 1947 ईस्वी में स्वीकृत प्रदान की गई। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन को जुलाई 1947 ईस्वी में स्वीकृत प्रदान की गई। किसी राज्य विधानसभा का सभापति अपना इस्तीफा उपसभापति को सौंपता है। किसी राज्य विधानसभा का सभापति अपना इस्तीफा किसको सौंपता है? उपसभापति को। मौलिक अधिकार भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है। मौलिक अधिकार भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है। पांडवों की राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र मदुरई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चकमा बांग्लादेश में बोली जाने वाली भाषा एवं निवासी है। चकमा क्या है? बांग्लादेश में बोली जाने वाली भाषा एवं निवासी है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू में। महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन रॉलेट एक्ट के पश्चात प्रारंभ किया। महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन रॉलेट एक्ट के पश्चात
राउरकेला इस्पात कारखाना जर्मनी के सहयोग से बना है। राउरकेला इस्पात कारखाना किसके सहयोग से बना है? जर्मनी के सहयोग से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में स्थित नाप्ता झाकरा जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश में स्थित नाप्ता झाकरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश लगभग 13 किलोमीटर है। यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो है। यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? यूरो है। डीजल ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र जमालपुर में अवस्थित है। डीजल ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? जमालपुर में स्थित है। भारत में सबसे ज़्यादा एंग्लो इंडियन पश्चिम बंगाल में रहता है। भारत में सबसे ज़्यादा एंग्लो इंडियन कहाँ पर रहता है? पश्चिम बंगाल। ब्रिटिश जलपोत रेड था आने वाला जलपोत कौन सा था? रेड ड्रैगन था। स्वराज्य शब्द का पहली बार प्रयोग 1906 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में किया गया। स्वराज्य शब्द का पहली बार प्रयोग 1906 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया। 1191 ईस्वी में तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया। 1191 ईस्वी में तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। डीजल इंजन के आविष्कार जर्मनी को रूडोल्फ थे। डीजल इंजन के आविष्कारक जर्मनी के रूडोल्फ थे। हमदर्द के लेखक मोहम्मद अली जीना था। हमदर्द के लेखक कौन था? मोहम्मद अली जीना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 मार्च 1947 ईस्वी को माउंटबेटन भारत के वायसराय बनकर आया था। 24 मार्च 1947 ईस्वी को माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर आया था। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। डीएनए मानव रक्त का घटक नहीं है। डीएनए मानव रक्त का घटक नहीं है। ध्वनि के शोरगुल का मापन डेसिबल में होता है। ध्वनि के शोरगुल का मापन किस में होता है? डेसिबल में होता है। नींबू रस का पीएच मान 2.4 होता है। नींबू रस का पीएच मान कितना होता है? 2.4 होता है। पृथ्वी की पृष्ठ से पलायन वेग का मान लगभग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। रिचर्ड एटनबरो का फिल्म गांधी में गांधी महात्मा गांधी का अभिनय बेन किंग्सले ने निभाया था। रिचर्ड एटनबरो का फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का अभिनय बेन किंग्सले ने निभाया था। सिलिकोना वृक्ष विषुवतीय वनों में पाए जाते हैं। सिलिकोना वृक्ष विषुवतीय वनों में पाए जाते हैं। रंगून इरावती नदी के तट पर स्थित है। रंगून किस नदी के तट पर स्थित है? इरावती नदी पर स्थित है। पाक स्ट्रेट पाक जलमार्ग मध्य तमिलनाडु से सबसे नज़दीक है। पाक स्ट्रेट पाक जलमार्ग मध्य तमिलनाडु से सबसे नज़दीक है। PIO का पूर्ण रूप पेरेंट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है। PIO का पूर्ण रूप क्या है? पेरेंट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है। एवोकाडो संख्या का मान 6.023 × 10³³ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणीय वेग की सही इकाई रेडियन पर सेकेंड है। कोणीय वेग का सही इकाई क्या है? रेडियन पर सेकेंड है। रक्ताल्पता खून की कमी निम्न हीमोग्लोबिन से संबंधित है। रक्ताल्पता खून की कमी किससे संबंधित है? निम्न हीमोग्लोबिन से संबंधित है। हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत पालक है। हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत क्या है? पालक है। EMI पद सेलुलर फोन से संबंधित है। EMI पद किससे संबंधित है? सेलुलर फोन से संबंधित है। भारतीय नौसेना के पास सुखोई वायुयान वाहक है। भारतीय नौसेना के पास क्या है? सुखोई वायुयान वाहक है। पिनकोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 में हुआ था। पिनकोड की शुरुआत कब हुआ था? 15 अगस्त 1972 में हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत अमेरिकी संविधान 1789, न्यायिक पूर्वालोकन, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका। ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? न्यायिक पूर्वालोकन, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका। कनाडा का संविधान 1946, संघात्मक व्यवस्था अवशिष्ट शक्तियाँ। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है? संघात्मक व्यवस्था अवशिष्ट शक्तियाँ। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति के निर्वाचन का रीति। ब्रिटिश संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। पश्चिमी जर्मनी का संविधान 1933 से क्या लिया गया है? आपातकाल उपबंध। पश्चिमी जर्मनी का संविधान 1933 से लिया गया है आपातकाल उपबंध। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की पद्धति। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से क्या लिखा गया है? संविधान संशोधन की पद्धति। सोवियत संघ के संविधान 1936 से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य।
सोवियत संघ के संविधान 1936 क्या लिया गया, मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट है फ्रांसीसी संविधान 1946 क्या लिया गया, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। फ्रांसीसी संविधान से क्या लिया गया है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। ऑस्ट्रेलियन संविधान से लिया गया है क्या, प्रस्तावना, समवर्ती सूची, शक्ति विभाजन, प्रस्तावना एवं समवर्ती सूची एवं शक्ति विभाजन। जापान के संविधान से अनुच्छेद का प्रावधान, संविधान जापान के संविधान से अनुच्छेद का प्रावधान। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की अनुसूची, पहली अनुसूची संघ एवं राज्यों का उल्लेख, पहली अनुसूची संघ एवं राज्यों का उल्लेख। दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के वेतन इत्यादि। तीसरी में व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायालय के लिए शपथ के लिए जाने वाली प्रतिज्ञा स्वरूप। चौथी अनुसूची राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानों के आवंटन का उल्लेख। चौथी अनुसूची राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानों के आवंटन का उल्लेख। पांचवी में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन, पांचवी अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन। छठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजाति क्षेत्र के प्रशासन। सातवीं में संघ राज्य तथा समवर्ती सूची, सातवीं में संघ राज्य तथा समवर्ती सूची। आठवीं में भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख। नेक्स्ट है नौवीं भूमि सुधार संबंधी अधिनियम, नौवीं भूमि सुधार संबंधी अधिनियम। दसवीं में दल बदल विधेयक,